हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशी लव्स कुकिंग। आज हम आपको रानी मुर्ग की रेसिपी बताएंगे। ये एक मुगलाई डिश है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। काफ़ी चटपटी बनकर के तैयार होती है और बहुत पसंद आएगी आपको, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे एक थम्स अप देना ना भूलें। यहाँ पर हमने लिया है चिकन का थाई, 250 ग्राम्स है ये, और उसे हमने इस तरह से इस पर कट लगा लिया है। दोनों साइड पर हमने अच्छे से इसे कट लगा लिया है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाए। इस तरह से दोनों साइड पर इस तरह से स्लिट लगाना है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1/2 लेमन, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1 teaspoon सॉल्ट। तो अब हम चिकन के थाई को जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और लेमन जूस स्क्वीज कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से रब करेंगे। अच्छी तरह से इसे एक मसाज देना है और सॉल्ट को अच्छी तरह से चिकन के थाई में रब करना है। उसके कट्स के अंदर भी हम इसे अच्छी तरह से रब करेंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। अब हमने यहाँ पे 1/2 अनियन लिया है, उसे हमें लॉन्ग पीसेस में कट किया है। मसालों में हमें चाहिए 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच हमने हल्दी यूज़ की है और साथ ही हमने 1/2 चम्मच हरी इलायची की पाउडर यूज़ किया है, ग्रीन इलायची। और यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर क्रीम यूज़ किया है, 3 से 4 काजू यूज़ किया है हमने, सॉल्ट चाहिए एज पर टेस्ट, और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून दही का यूज़ किया है। दही को इस तरह से हमने स्ट्रेनर में रख दिया है, उसके नीचे एक कटोरी रख दिया था, इस वजह से जो है उसका एक्स्ट्रा पानी सब कुछ निकल चुका है। अब एक पैन में हम 1/4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और प्याज को हम इसमें फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है और इसे बीच बीच में हम मिक्स करते रहेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। इस तरह से देखिए, जब इसका कलर जो है वो ब्राउन होने लगेगा तब हम फ्लेम स्विच ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मिक्सर ग्राइंडर में काजू लेंगे और उसका एक पाउडर बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, फ्राई की हुई। सारे मसाले जो हमने दिखाए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, दही भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब उस पेस्ट को हम चिकन में लगाएंगे, अच्छे से चिकन को रब करेंगे इस पेस्ट से। साथ ही हम इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे और प्याज हमने जिसमें फ्राई किया था उसका 2 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऐड करके चिकन को जो है वो अच्छी तरह से इसे कोट करना है, सारी साइड्स पे हमें अच्छी तरह से कोट करना है। चिकन को जो हमने कट लगाए थे उसके अंदर भी हम ये मसाला का मिक्सचर अच्छी तरह से लगाएंगे। एक इंग्रेडिएंट हम आपको दिखाना भूल गए थे, वो है केसर, जिसे हमने पानी में भिगो कर रखा है। उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसालों के साथ में आप तभी ही इसे ऐड कर दीजिएगा और इसे मिक्स कर दीजिएगा। हम यहाँ भूल गए थे इसलिए अभी ऐड कर रहे हैं। अब हमने उसे 3 से 4 घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है। 3 से 4 घंटा बाद हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए, और ग्रिलिंग ट्रे में
हम चिकन कढ़ाई को रख देंगे। बचे हुए मसाले के मिक्सचर को इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम ऑयल को ब्रश से लगा देंगे। इसे कोट करना है ऑयल से। ऑयल से कोट करके हम इसे अवन में रख देंगे और बेकिंग ट्रे में हम 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है वो मॉइस्ट रहेगा। और हमने इसे 20 मिनट के लिए ग्रिल किया है 200 डिग्री पर। ग्रिल करने के बाद इसे पलट करके हम दूसरी साइड पर भी ऑयल लगाएंगे और इसे भी हम 20 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे 200 डिग्रीज पर। तो देखिए ये बन करके रेडी है।